अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप मेरा चैनल देख रहे हैं फूड सीक्रेट विद मी, और आज हम बनाने जा रहे हैं सूप, चाइनीज सूप, वेजिटेबल सूप। आप इसमें अपनी मर्जी के वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कैरेट, गाजर, मटर चाहिए, हमें एक गोभी चाहिए, गोभी का टुकड़ा। आप बंद गोभी ले लें, फूल गोभी ले लें, जो भी आपको वेजिटेबल। और इसके अलावा आप इसमें मटर ले लें, इनको बारीक चॉप कर लें और मटर आपने छील लें। उसके बाद आपने गार्लिक चिली सॉस ले लेना है, सोया सॉस लेना है, सिरका ले लेना है और चिली सॉस लेना है। इसमें आपने ये चिकन हमने बॉईल करके रख लिया था, नमक डाल के और काली मिर्ची डाल के। अब आपने इसमें गाजर और ये जो आपने वेजिटेबल्स काटी है वो ऐड कर लें। बाकी आप अपनी मर्जी से भी इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं। ये बहुत क्विक, बहुत जल्दी सूप बनने वाला है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। आपने इसमें गार्लिक डाल देना है, गार्लिक पेस्ट, चिली गार्लिक पेस्ट, और आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपने इसको टेस्ट करके चख के देख लेना है। इसमें आपको अगर कोई कमी लगे वो डाल देनी है। आपने सिरका डालना है, सिरका आपने 3 से 4 चम्मच डाल देना है। और आपने अब सोया सॉस लेना है, सोया सॉस भी आपने 3 से 4 चम्मच डाल देना है। बाकी और आपने चिली सॉस ले लेना है, वो भी आपने इसमें 3 से 4 टेबल स्पून डाल देना है। बाकी अगर जिसको कम लगे वो आप ऊपर से भी डाल सकते हैं, इसको एक्स्ट्रा अपने साथ रख लेना जब आप सूप पेश करें। ये अच्छी तरह आपने सब कुछ मिक्स कर लेना है और अच्छे से इसको पकने देना है ताकि इसका एक एक जो जूस है वो निकल जाए हर चीज़ का। फिर आपने कॉर्नफ्लावर लेना है, कॉर्नफ्लावर आपने लेना है 4 से 5 चम्मच। आपने कॉर्नफ्लावर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। आप मिक्स कर लेंगे, इसमें पानी डाल लें 1/2 कप। पानी में कॉर्नफ्लावर ऐड कर लें और इसको अच्छी तरीके से बना लेना, इसमें गुठलियाँ ना रह जाएं। अब आपने लेने हैं 2 अंडे लेने हैं। अंडा आपको एक पहले डालना है, उसके बाद दूसरा डालना है, एक साथ अंडे नहीं डालें। अंडे को अच्छे से मिक्स कर लें। ये अंडा आपने डालते जाना और चलाते जाना है, इसके रेशे बन जाएंगे अंडे के। और आपने अच्छी तरीके से पक रहा हो जब डालना है, आपने इसको हल्का गर्म हो जब नहीं डालना, बहुत तेज गर्म हो जब डालना है आप, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और अंडा एकदम पक जाए। मिक्स कर लें आप अच्छी तरीके से। ये देखिए हमें ये सेकंड अंडा डाल रहे हैं हम, अभी चलाते रहे। हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया, अभी ये देखें गाढ़ा हो जाएगा। वेजिटेबल्स गाजर का और मटर का और गोभी जो ऐसा कलर आ रहे हैं, सर्दी के मौसम में बहुत अच्छे कलर लगते हैं, सूप पीने में भी अच्छा लगता है। इसमें हमने काली मिर्ची ऐड कर ली, काली मिर्ची हमने 1 खाने का चम्मच ऐड कर लिया। देखें जब इसमें बॉयल आना शुरू हो जाए तो इसमें रेड जो हमने चिली सॉस और गार्लिक चिली गार्लिक सॉस डाला है वो अब आपने पेश कर देना है। रेडी हो चुका है आपका सूप, देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा था। और सर्दियों की ये सौगात है, ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा।